यस स्टूडेंट्स, आगे जो फिफ्थ चैप्टर का आगे नेक्स्ट पार्ट है डिवाइजर फंक्शन ऑफ एन या सिग्मा फंक्शन दे रखे हमारे पास। देखो यहाँ पे डिवाइजर जो फंक्शन है इसको हम डी ऑफ एन से डिनोट करेंगे, ये डी ऑफ एन हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर फंक्शन है। डिवाइजर फंक्शन ऑफ एन इज डिनोटेड एज डी ऑफ एन या टो ऑफ एन, ठीक है। तो इस बुक में हमारे पास डी ऑफ एन ही नोटेशन है इसकी, टो ऑफ एन भी आ जाता है तो पजल नहीं होना उसमें, मतलब वो डिवाइजर फंक्शन ही है हमारे पास। अगर हमारे पास ये आ जाता है कि डिफाइन फाइंड टो ऑफ सिक्स, तो इसका मतलब क्या है, डिवाइजर फंक्शन ही है सिक्स का, इसका हमने सिक्स के डिवाइजर नंबर से निकालने हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, देखो इसमें डेफिनेशन क्या है, फॉर इज पॉजिटिव इंटीजर एन डी ऑफ एन एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन है हमारे पास, जैसे हमारे पास टो ऑफ सिक्स आ जाए या डी ऑफ सिक्स आ जाए, ये क्या हमारे पास डिवाइजर ऑफ सिक्स क्या बनेंगे, सिक्स के डिवाइजर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डिवाइजर, वन भी डिवाइड करेगा टू थ्री और सिक्स, यही हमारे पास डिवाइजर है। नंबर ऑफ फोर डिवाइजर हो जाएंगे तो डी ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, या टो ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर वो हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे जो मैपिंग है नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं हमने, डिवाइजर्स लेने हैं, तो हमारे पास डी ऑफ एन जो होगा हमारे पास सम ऑफ ऑल मैनी एन दे आर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, जो हमारे पास पॉजिटिव डिवाइजर है उन सभी का सम आ जाएगा। डी ऑफ एन और डी का है डिफरेंट मीनिंग, डी तो एक नंबर हो गया, डी ऑफ एन क्या है यहाँ पे फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे हम, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है इसमें सिग्मा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन ऑफ एन। तो इसमें देखो सिग्मा फंक्शन ऑफ एन को हम सिग्मा ऑफ एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स है सिग्मा ऑफ एन से। तो इसका मतलब क्या, देखो इसमें डेफिनेशन, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर सिग्मा ऑफ एन डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, मतलब जो भी उनके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उन सभी का सम हो जाएगा, जो एन से एन तक हमारे पास मैपिंग है, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइजर्स लेने हमने, सिग्मा ऑफ एन क्या हो जाएगा, जो भी डिवाइजर है हमारे पास, डी इज डिवाइजर ऑफ एन है ना, डी एन इज डिविजिबल बाय डी है, ठीक है, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन के लिए। और इसमें इन सभी का जो सम आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा ऑफ एन से। जैसे हमारे पास सिग्मा ऑफ सिक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन टू थ्री और सिक्स, ये आ जाएगी हमारे पास, थ्री और सिक्स नाइन, टू इलेवन प्लस वन ट्वेल्व हो जाएगी हमारे पास, सिग्मा ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वेल्व हो जाएगा, या टो ऑफ सिक्स भी बोल सकते, इसमें सॉरी इसमें टो तो डिवाइजर हो जाएंगे ना हमारे पास, फोर हो जाएंगे, सिग्मा ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सिग्मा फंक्शन क्या हो जाए, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है सिग्मा डी ऑफ एटीन, तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, एटीन के डिवाइजर क्या है, वन टू थ्री सिक्स नाइन एटीन है, डी ऑफ एटीन क्या हो जाएगा, या टो ऑफ एटीन क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है, और सिग्मा ऑफ एटीन क्या हो जाएगा हमारे पास, इन सभी का सम दैट इज़ 39 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें डिवाइजर जो है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ वन इजिकल टू वन होएगा, सिग्मा ऑफ वन भी वन के इक्वल ही होएगा, डी ऑफ एन इजिकल टू टू कब होगा, इफ एन इज प्राइम। अब देखो कोई भी प्राइम है, जैसे हमारे पास डी ऑफ फाइव निकालना है हमने, फाइव यहाँ पे प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड कौन करेगा, ये तो वन करेगा या फाइव इटसेल्फ करेगा, कोई और अनदर फैक्टर तो बनेंगे नहीं, प्राइम नंबर वही होते हैं ना जिनके जो फैक्टर्स बनेंगे या तो इटसेल्फ है या वन है उसका फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर का तो फैक्टर वन है या इटसेल्फ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर क्या आएंगे, या तो वन या फाइव, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो डी ऑफ फाइव क्या हो जाएगा, मतलब सिक्स हो जाए, मतलब टू हो जाएगा, ठीक है, डी ऑफ फाइव क्या हो जाएगा हमारे पास, टू हो जाएगा, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ डिवाइजर हैं टू ही हमारे पास, वन इसको डिवाइड करता है या फाइव डिवाइड करता है। इस तरह से डी ऑफ हमारे पास कोई और नदर जैसे सेवनटीन आ जाए, सेवनटीन यहाँ पे प्राइम नंबर है, इसके भी टू हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ, अगर एन हमारे पास प्राइम है तो डी ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, उसमें वन ऐड कर देंगे बस। और सिग्मा ऑफ एन क्या होगा हमारे पास, अगर एन ग्रेटर, सिग्मा ऑफ वन तो वन ही होता है, अगर एन ग्रेटर देन वन हो जाए तो सिग्मा ऑफ एन तो उस एन से तो ग्रेटर ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड ही करेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा ऑफ एन क्या होगा, ग्रेटर देन एन होगा हमारे पास। आगे इसमें परफेक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, ये परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन, ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ इट इज द सम ऑफ इट्स डिवाइजर अदर देन इट्सेल्फ, मतलब हमारे पास सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर हमारे पास ओनली है अदर देन इट्सेल्फ,
इटसेल्फ के अलावा जो हमारे पास उनके डिवाइजर हैं, जैसे डी ऑफ सिक्स था हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिक्स यहाँ पे परफेक्ट नंबर है, इसके जो डिवाइजर्स हैं 1, 2, 3 और 6 हैं, 1, 2, 3 और 6 हैं, बट इटसेल्फ मतलब अदर देन इटसेल्फ मतलब अदर वो नंबर लेने हैं जो इटसेल्फ को छोड़ के, सिक्स को छोड़ के जो बाकी नंबर का अगर सम क्या आ जाए, सिक्स आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 3 6 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे 18 है, 18 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या है, 1, 2, 4, 7 और 14 है, ये इसके डिवाइजर हैं, ठीक है। और 28 भी इसको डिवाइड करता है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 5, 6 हो गए, बट यहाँ पे हमारे पास अदर देन इटसेल्फ मतलब जो अदर देन इटसेल्फ इसके डिवाइजर हैं 1 से लेके 14 तक, उनका सम 28 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। परफेक्ट नंबर वो नंबर हैं जिनका जो सम ऑफ द डिवाइजर अदर देन इटसेल्फ क्या आ जाए, वही आ जाए, ठीक है, एन के इक्वल ही आ जाए हमारे पास। अब देखो इनका अगर सिग्मा ऑफ एन निकाल लें हम, सिग्मा ऑफ सिक्स निकाल लें हम, सिग्मा ऑफ सिक्स तो क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 6 लिख सकते हैं ना, 2 × 6 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ 28 निकाला, वो उसको वो किसके इक्वल आ गया, 56 के इक्वल, इसको हम 2 × 28 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आता है, जैसे हमारे पास सिग्मा ऑफ 496 निकाला, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 × 496 आ जाएगी। तो इसमें अगर हमारे पास इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव इंटीजर एन इज परफेक्ट है, कब होगा एन परफेक्ट, इफ अगर सिग्मा ऑफ एन की वैल्यू क्या आ जाए, 2n के इक्वल आ जाए। सिग्मा ऑफ एन की वैल्यू अगर 2n के इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मतलब इसमें से अगर हम जैसे, ठीक है, मतलब इन सभी का जो जैसे 6 है, सिग्मा ऑफ 6 था हमारे पास, इसमें अगर 6 को हम इंक्लूड ना करें तो हमारे पास बाकी सभी का सम 6 बने ना हमारे पास, मतलब वो उसका ट्वाइस हो जाएगा फिर। तो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट भी आ जाता है, अगर सिग्मा ऑफ 2n, अगर 2n सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 2n के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास n क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास सम थ्योरम्स ऑन d ऑफ n और सिग्मा ऑफ n पे बेस्ड, अगर n हमारे पास इस टाइप का आ जाए, जैसे हमारे पास n की वैल्यू मैं ये लिख दूँ, इसमें 10 ले लें हम, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, ठीक है, या मैंने n की वैल्यू 20 ली, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 × 5 मतलब 2 की पावर 2 × 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कोई भी प्राइम, कोई भी नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू किस टाइप की दे रखी है हमारे पास, p1 की पावर k1 p2 की पावर k2 एंड सो ऑन pr की पावर kr के हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n है, ठीक है, मतलब p1 p2 सभी डिफरेंट हैं। तो d(n) क्या बनेगा हमारे पास, d(n) क्या बनेगा हमारे पास, k1 + 1 k2 + 1 एंड सो ऑन kr + 1 बनेगा। और सिग्मा ऑफ n क्या की वैल्यू हमने क्या निकालनी है, इसमें p1 की पावर k1 + 1 - 1/p1 - 1, p2 की पावर k2 + 1 - 1/p2 - 1 एंड सो ऑन, pr की पावर kr + 1 - 1/pr - 1। एन हमारे पास इस टाइप का, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स हैं, ठीक है, p1 p2 pr हमारे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, उनकी पावर भी k1 k2 kr है हमारे पास। अब देखो इसमें दस द ओनली डिवाइजर ऑफ pi की पावर ki, इसके डिवाइजर क्या हमारे पास, या तो 1 इसको डिवाइड करेगा, या pi का स्क्वायर, pi का क्यूब, ये सभी प्राइम नंबर्स तो इसको डिवाइड करेंगे ना, मतलब pi के जैसे हमारे पास 2 की पावर मैंने 2 लिखा, तो इसको 2 तो डिवाइड करेगा ना, 1 और 2 तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास, ठीक है, 2 मतलब 1 डिवाइड कर, जैसे 4 लिख दिया तो इसमें 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 की पावर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 2 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 3 भी डिवाइड करेगा, और 2 की पावर 4 भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने 2 की पावर 4 को ही नंबर दिया हमने, ये क्या मेरे पास पी प्राइम नंबर है, ये हमारे पास कोई k1 है, p1 की पावर k1 की टाइप का ले लिया हमने कोई नंबर, ठीक है। अब इसके हमारे पास डिवाइजर कितने बनेंगे, देखो 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 की पावर 1 भी डिवाइड करेगा इसको, 2 की पावर 2 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 3 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 4 भी, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास इसके क्या हो गए, डिवाइजर हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास, जैसे ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास 1
जो पी आई की पावर की आई है इसके डिवाइजर क्या हो जाएंगे, 1 पी आई का स्क्वायर, पी आई का क्यूब, पी आई की पावर की आई, ये सभी इसके क्या होंगे, डिवाइजर्स होंगे। और तो कोई डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि पी आई पी यहाँ पे क्या प्राइम नंबर्स हैं। दर्ज हमारे पास दो नंबर ऑफ डिवाइजर पी आई की पावर की आई, देखो यहाँ से 1 से लेके पी 1 की पावर, पी आई की पावर 1 से लेके पी आई की पावर की आई, ये हमारे पास के नंबर्स हो गए। और 1 इसमें इंक्लूड करेंगे तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए पी आई की पावर के आई के आई प्लस 1 हो जाएंगे। आई को मतलब 1 लेंगे या 2 लेंगे या सोन आर तक लेंगे हम, ठीक है, हमने ले लिया 1 2 3 एंड सोन, इस तरह से हमारे पास आई की वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ पी आई की पावर के आई के आगे यहाँ पे के आई प्लस 1 हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें वी नो दैट एवरी डिवाइजर ऑफ पी आई की पावर के आई इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ एन, एन तो एन किस टाइप का है, पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू, तो एन को तो डिवाइड करेगा हमारे पास ईच, जो पी आई पी वन की पावर के वन है भी एन को डिवाइड करेगा, पी टू की पावर के टू भी एन को डिवाइड करेगा, सभी एन को तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे क्योंकि एन तो इन सभी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सभी ईच डिवाइजर ऑफ पी आई की पावर के आई जो इनके डिवाइजर्स होंगे, जैसे हमारे पास एन है हमारे पास पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू, ठीक है, तो इनके मैंने इसका डिवाइजर ले लिया, सपोज किया पी वन की पावर टू ले लिया, तो पी वन की पावर टू भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही है हमारे पास इसमें, देखो डी ऑफ एन क्या बनेगा उस केस में, डी ऑफ एन क्या बनेगा हमारे पास। अब देखो इस केस में हमारे पास, जैसे हमारे पास आई को मैंने 1 पुट किया तो पी आई की पावर के 1 हो जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे, के 1 प्लस 1, मतलब पी 1 की पावर के 1 के डिवाइजर क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसको 1 भी डिवाइड करेगा, पी 1 की पावर 1 भी डिवाइड करेगा, पी ठीक है आई को जब हम इसमें, ठीक है, पी 1 की पावर 2 भी डिवाइड, के 1 को हमने 1 2 3 सोन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पी 1 की पावर के 1 तक सभी इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास, पी 1 की पावर के 1 को हमारे पास 1, पी 1 की पावर 1, हमने के 1 को मैंने 1 2 3 इस तरह से ले लिया, हमने 2 ले लिया, हमने सोन के 1 तक, ये सभी इसको डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं, 1 से लेके 1 से लेके के तक, तो ये हमारे पास और 1 ये है, के प्लस 1 हो गए। तो हमारे पास तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ पी 1 की पावर के 1 क्या बनेगा, यहाँ पे के 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी प्राइम है। अभी हमने किया, अगर जैसे डी ऑफ 5 निकालना है तो इसके कितने होंगे हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर हमारे पास, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे तो वो उसकी पावर तो 1 ही है ना, इसमें क्या पी आई की पावर क्या आई है हमारे पास, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो गए, के 1 प्लस 1, पी 1 की पावर के 1 के हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो गए, पी 1 की पावर के 1, मतलब ये कितने हो गए, के प्लस 1। इसी तरह से पी आई हमारे पास पी 1 है, पी 2 की पावर के 2 ले लिया, अगर हम पी 2 की पावर के 2 क्या लेंगे हम इसमें, यहाँ पे 1, पी 2 की पावर 1, पी 2 की पावर क्या आ जाएगा, के 2 आ जाएगा हमारे पास, ये सभी क्या हो जाएंगे, के 2 प्लस 1 नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, के 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से सोन के आर प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये किसके इक्वल है, के प्लस 1, डिवाइजर ऑफ पी 1 की पावर के 1, के प्लस 1 क्या हमारे पास यहाँ पे, डिवाइजर ऑफ पी 1 की पावर के 1, ठीक है, और के 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, डिवाइजर ऑफ पी 2 की पावर के 2, एंड सोन के आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, डिवाइजर ऑफ पी आर की पावर के आर। तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव रिजल्ट हो गया हमारे पास। अगर डी ऑफ एन निकालना है हमने, एन क्या हमारे पास यहाँ पे पी 1 की पावर के 1, पी 2 की पावर के 2, एंड सोन इनकी प्रोडक्ट है, तो डी ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारे पास, के 1 प्लस 1, जो उनकी पावर्स में नंबर आ रहे हैं, के 1 प्लस 1, के 2 प्लस 1, के आर प्लस 1, एंड सोन, ठीक है, इस तरह से हमारे पास इन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखो आगे इसमें अगर सिग्मा निकालना है, उन सभी का सम निकालना है, तो ओनली डिवाइजर ऑफ पी आई की पावर के आई, इन सभी के डिवाइजर क्या हैं, या तो 1 इसको डिवाइड करेगा, या पी आई की पावर 1, पी आई की पावर 2, एंड पी आई की पावर के आई, आई रनिंग फॉर 1 to r, ये सभी इसको डिवाइड करेंगे, तो इन सभी का सम, ये क्या हमारे पास जी पी सीरीज है। जैसे हमारे पास जो इसमें रेशो आ रहा, कॉमन रेशो क्या आ रहा है, पी आई को 1 से डिवाइड करेंगे पी आई आ जाएगा, पी आई स्केयर्स हो पी सी आई से डिवाइड करेंगे तो पी आई आ जाएगा, कॉमन रेशो क्या पी आई है, और पी ए क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, पी आई क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशो जी पी सीरीज का सम क्या होता है हमारे पास, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, यहाँ पे आर क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसमें आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पी आई पुट कर देंगे, ठीक है, आर की वैल्यू पी आई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आई की पावर एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर्स कितने हैं, के आई प्लस 1,
ठीक है, माइनस वन अपॉन में आर कितना पी आई माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर, जब हम इसमें आई को वन पुट करेंगे, आई को वन पुट करेंगे तो पी वन की पावर के वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन अपॉन में पी वन माइनस वन, कि आई को टू पुट करेंगे तो पी टू की पावर के टू प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी टू माइनस वन हो जाएगा। इस तरह से सोन। अब ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, सिग्मा ऑफ पी वन की पावर के वन, ये क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ पी टू की पावर के टू एंड सोन सिग्मा ऑफ बी आर की पावर के आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इन सभी का सम भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, पी वन की पावर के वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन अपॉन पी वन माइनस। अब देखो इसमें जो एग्जांपल्स हैं आगे, जैसे ये सभी देखो एग्जांपल्स आए हुए हैं, टू टू मार्क्स में इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं। जैसे डी ऑफ 630 निकालना है हमने, 630 हमारे पास क्या, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दो, जैसे एन हमारे पास था ना पी वन की पावर के वन, उस टाइप में रिप्रेजेंट कर दो इसको। इसको हम लिख सकते हैं टू थ्री की पावर टू फाइव इंटू सेवन, इसको हम इस तरह से फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, टू थ्री जार सिक्स इस तरह से हमारे पास कर दो इसमें, इस तरह से आगे हमारे पास थ्री आगे थ्री वन आगे इसमें कर दो हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम आगे हम डिवाइड कर देंगे हम, तो इस तरह से हमारे पास इसमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर दो हमारे पास। जैसे 630 हमारे पास, 630 को टू से डिवाइड कर देंगे, टू थ्री जार सिक्स, टू वन जार टू, ठीक है, टू फाइव जार टेन, इस तरह से हमारे पास थ्री वन जार थ्री, फिर हमारे पास थ्री फाइव जार फिफ्टीन, इस तरह से हमारे पास डिवाइड करते जाओगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री की पावर टू इंटू फाइव इंटू सेवन हो जाएगा। पी वन यहाँ पे टू हो जाएगा, पी टू यहाँ पे थ्री हो जाएगा, पी थ्री यहाँ पे फाइव हो जाएगा, पी फोर यहाँ पे सेवन हो जाएगा। के वन क्या है यहाँ पे, पी वन की पावर वन मतलब टू की पावर वन हो जाएगा, के टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, के थ्री यहाँ पे वन हो जाएगा, के फोर भी वन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे 630 के वन प्लस वन। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इसमें के टू प्लस वन, के थ्री प्लस वन, के फोर प्लस वन, बस इसमें के वन के टू के थ्री के फोर की वैल्यू पुट कर दो तो डी ऑफ 630 आ जाएगा हमारे पास। आगे हमने सिमिलरली सिग्मा ऑफ 630 निकालना है। ठीक है, इन सभी का आल्सो फाइंड द सिग्मा फंक्शन निकालना है हमने, तो हमारे पास इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा। हमारे पास कितने आई है, हमारे पास के फोर तक है, पी फोर तक है, तो पी वन की पावर के वन प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी वन माइनस वन, पी टू की पावर के टू प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी टू माइनस वन, पी थ्री की पावर के थ्री प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी थ्री माइनस वन, इसी तरह से पी फोर की पावर के फोर प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी फोर माइनस वन। इसमें पी वन पी टू पी थ्री पी फोर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, के वन के टू के थ्री के फोर की भी, तो हमारे पास सभी का सम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास 270 है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन बना देंगे हम, इसमें डी ऑफ 270 और सिग्मा ऑफ 270 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है इसमें एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, अगर पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब हो जाए, तो यहाँ पे पी वन क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पी टू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, के वन कितना इसमें टू है, के थ्री कितना हो जाएगा, के टू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो डिवाइजर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे क्या आ जाएगा, के वन प्लस वन के टू प्लस वन, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। आगे सिग्मा हमारे पास सिग्मा फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वन की पावर के वन प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी वन माइनस वन, फिर पी टू की पावर के टू प्लस वन माइनस वन अपॉन में पी टू माइनस वन, फिर इसमें बस के वन और के टू की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पी क्यू माइनस वन का पी माइनस वन क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे पी माइनस वन से तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट ही क्या आ जाएगा, आगे पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस वन, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये जो रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम एग्जांपल और करेंगे नेक्स्ट।